यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस ऑडिबल है, एक बार कंफर्मेशन दे दो। शुभम, सुरेश, सार्थक, अखिलेश, तपन, वॉइस ऑडिबल है सभी लोग को? गुड इवनिंग बलजीत। चलिए, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोग नई एडवांस कुछ चीजें सीख जाओगे और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब कि आप ये समझ लो कि जो हम कंट्रोल स्टेटमेंट अब पढ़ने वाले हैं, तो जो पुराने टॉपिक्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसका यूज केस अब इसके साथ अब इंटरनल अब कनेक्ट होता जाएगा और टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है वो अब एडवांस लेवल पर जाते जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आप समझ लो कि एक आध क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा कंट्रोल स्टेटमेंट पे बेस्ड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वॉइस वगैरह से भी ऑडिबल है प्रॉपरली? चलो तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कहीं पर भी कोई क्लास मिस मत करना। अगर कोई ने अभी से स्टार्ट किया है इसको पढ़ना, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर्स भी आप लोग अटेंड कर लेना। ये है लेक्चर नंबर 6। शुरुआत के जो 5 लेक्चर है आप उसको पूरा तरीके से देख लीजिएगा प्रॉपरली। अगर आप एक एक वीडियो को देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको आगे के वीडियोस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितना ज्यादा हो सकता है लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है जिसको आप डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे आपका टेस्ट होगा कंडक्ट। इंस्टाग्राम की लिंक है जहाँ पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो, स्टडी मटेरियल्स वहां पर बच्चे अपने स्टूडेंट एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर सीखने के लिए, एक एक कर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक काफी लोग आ गए हैं, बाकी जो है वो धीरे धीरे ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो एक सेकेंड आप रुकिएगा, मैं पेन निकाल दूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कई बार डिसीजंस जो लेते हैं वो डिसीजन हम इस तरह से लेते हैं कि हमें किसी न किसी अजम्पशन पे चलना पड़ता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, नहीं तो ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें फिक्स्ड पता नहीं होता कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कुछ अजम्पशन पे बेस्ड लेते हैं कि अगर मेरे मेरे इतने परसेंट आए तो मैं बीसीए करूंगा, नहीं तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं बीटेक करूंगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे भी फर्दर डिसीजन लेते हैं कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ करा तो मैं वहां जाके पढ़ूंगा, नहीं तो मैं ये करूंगा। और हम पेरेंट्स को भी कंडीशन रख देते हैं कई बार कि अगर मेरे इतने परसेंट आ गए तो मुझे ये दिलाना, नहीं तो मुझे ये दिलाना। ठीक है, तो अगर वाली जो स्टेटमेंट होता है जहां पर हम अगर बोलते हैं, वहीं पर ही हमारा कंट्रोलिंग आ जाती है कि हम अपने स्टेटमेंट्स पे कंट्रोल लगाना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये करना है, नहीं तो फिर ये करना है। अब जब हम स्टेटमेंट्स जो भी बोलते हैं, और ऑब्वियसली वही काम हमें कंप्यूटर से भी कराना है, तो कंप्यूटर से अगर मुझे कोई काम कराना है तो ऑब्वियसली मैं ये चाहूंगा कि जो चीज मैं सोच रहा हूं वो मैं कन्वे कर सकूं कंप्यूटर को, ताकि वो मेरे अकॉर्डिंग काम कर सके। हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बोल दूं कि ये काम करना, उसके बाद ये काम करना, उसके बाद ये काम करना, ऐसा तो हमेशा होगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसको कंडीशन दे, हम उसको बोले कि अलग अलग तरीके से हम उसको कंडीशन दे सकते हैं। एक तरीका तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक काम करना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये वाला काम करना, और नहीं तो फिर ये वाला काम करना। मतलब कि या तो ये वाला काम करना और नहीं तो फिर ये वाला काम करना। अगर ये वाला काम करोगे तो ये वाला काम नहीं करना है, और अगर ये वाला काम करोगे तो ये वाला काम नहीं करना है। ऐसा भी आप कंट्रोल मतलब आप गाइड कर सकते हो किसको, हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलो कि काम करो, मैं तुम्हें 10 स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ऐसे करते करते मैं तुम्हें 10 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और अगर मेरी बात सही निकले तो एक काम करना, अगर मेरी बात 10% सही निकले तो एक काम करना कि पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, अगर मेरी बात 20% सही निकले तो दूसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, अगर मेरी बात 30% एग्जीक्यूट सही निकले तो थर्ड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, और अगर मेरी बात 100% सही निकले तो 10th वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना। तो ऐसे भी हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलूं कि एक काम करो, ये जो पर्टिकुलर काम है ना, ये जो मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुम्हें रोज करना है। ठीक है, ये जो काम है ये तुम्हें रोज दिन में 10 बार करना है एग्जीक्यूट। मतलब आपको इस काम को रिपीटेशन में करना है। तो कुछ स्टेटमेंट का हमने काम उसको दे दिया और अब मैंने उसको कहा कि ये काम तुम्हें बार बार करना है। तो इस अलग अलग तरह के सिनेरियोस को हमें
कंप्यूटर को समझाना है तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे स्टेटमेंट्स पे कंट्रोल लाना चाह रहे हैं और इस कंट्रोल लाने के लिए हमें कुछ सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनकी मदद से ये सारा काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर मुझे पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइन का कोड अगर एग्जीक्यूट करना, अगर मेरी बात सही निकली तो, और दूसरा कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो कि मेरी बात अगर गलत निकली तो पहला वाला कोड मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, दूसरा वाला कोड एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब एट ए टाइम मैं दोनों में से एक ही कोड एग्जीक्यूट करने वाला हूं। उसके लिए हमारा यूज होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मेरे पास 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 10 स्टेटमेंट्स हैं और मुझे एट ए टाइम एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग टू कि मेरी बात जो है वो कितनी परसेंट सही है, तो वहां पर मुझे अपने कंट्रोल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जंप कराना पड़ सकता है और पर्टिकुलर ब्लॉक को मुझे एग्जीक्यूट कराना पड़ सकता है। उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ स्विच स्टेटमेंट। फिर अब मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइन का कोड जो है उसको बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि मान लो कि कुछ काम मैं बोलता हूँ कि ये काम तुम्हें रोज 10 बार करना है, तो वहां पर मैं उस काम को बार बार रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा रोज कि तुम्हें ये काम करना है, या फिर मैं 10 बार उसको नहीं बोलूंगा कि ये काम करो ये काम करो ये काम करो, 10 बार नहीं बोलूंगा मैं उसको, एक बार बोलूंगा और ये कह दूंगा कि अब ये काम तुम्हें 10 बार करना है। वो कहलाएगा हमारा लूप, लूप के थ्रू होगा वो, यहाँ पर लिखा नहीं है, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स कहलाते हैं वो। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स से हमारा लूपिंग होती है और कंडीशनल ऑपरेटर वही है जो इफ एल्स से जो काम होता है वही काम हम कंडीशनल ऑपरेटर से करते हैं। यहाँ पर एक चीज और मिसिंग है, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसके के लिए हम लूप पढ़ने वाले, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे, आज के लेक्चर में वो नहीं होगा। तो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी होते हैं जिसके के थ्रू हम कुछ काम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बार बार रिपीटेशन में। तो ये एक एक करके हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और देखेंगे ये किस तरीके से वर्क करता है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई हो तो एक बार यस बोल दो। उत्कर्ष, यू आर अ ग्रेट ऑनलाइन टीचर, थैंक यू उत्कर्ष फॉर योर कमेंट। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे कोई काम करवाना है तो मैं यहां पर लिखता हूं इफ, स्मॉल लेटर में मैं लिखूंगा इफ, सिंटैक्स बता रहा हूं, फिर यहां पर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लिखूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा कंडीशन और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा और कर्ली ब्रेसेस एंड करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम कोई सी भी कंडीशन देंगे, ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ मतलब क्या होता है, इफ मतलब अगर, हम हिंदी में बोलते हैं अगर ये बात सच हुई तो ऐसा करना है नहीं तो ऐसा करना। अभी हम अगर अभी हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये काम करना है या नहीं करना है बस। अगर ये बात ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है कि इफ के साथ हम एल्स लगाएं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बस इफ के अंदर यह है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम चाह रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, नहीं तो फिर कोई दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो, हमारी कोई दूसरी बात चल जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। तो एल्स की भी हम बॉडी बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस से और यहां पर भी हम कुछ लाइन का कोड लिखते हैं। तो अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी वाला कोड चलेगा और एल्स की बॉडी वाला कोड नहीं चलेगा। लेकिन अगर इफ की बॉडी वाला कोड अगर नहीं चलता है कंडीशन फॉल्स होने के कारण, तो एल्स की बॉडी वाला कोड चलेगा। तो एट ए टाइम दोनों में से एक ही कोड चलेगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इफ के कोड के अंदर बहुत सारे इफ एल्स लगा दे या फिर एल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे इफ एल्स लगा दे। अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मेरी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आप एक्सट्रीम बिगनर है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज तो आपको होगी ही कि यहाँ पर इफ की बॉडी वाला कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा अगर ट्रू होगा तो, एल्स की बॉडी में कोड अगर फॉल्स होगा तो चलेगा। और इफ की बॉडी के अंदर हम कई सारे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी ना समझ में आया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, उसके लिए एक अलग से कोर्स रहता है जिसपे की बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अगर गेट की तैयारी कर रहे हो तो इतना नॉलेज तो होगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक बिल्कुल परफेक्ट फाइन है। आगे बढ़े,
ठीक है। दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, स्विच का सिंटेक्स ये होता है कि हम यहां पर लिखते हैं स्विच, उसके बाद हम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं, और यहां पर हम बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस से इसकी बॉडी, ठीक है। फिर हम यहां पर अंदर लिखते हैं केस, केस जो है उसके आगे हम या तो कोई कैरेक्टर कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं और सेमी कॉलन लगाएंगे, कोलन लगाएंगे, और फिर यहां पर कुछ कोड लिख देंगे, फिर यहां पर हम एक और केस, जितने हम चाहे केस बना सकते हैं। केस के आगे या तो हम कोई एक कैरेक्टर लिख सकते हैं या फिर कोई एक नंबर लिख सकते हैं, और सबसे लास्ट में आप चाहो तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी नहीं होता, आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, और उसकी भी कोड हो सकता है। अब ये जो सिंटैक्स है इसका मतलब क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं, एक एक करके मैं समझाता हूं। जैसे कि स्विच के अंदर हम जो पास करते हैं, या तो कोई कैर वैल्यू पास करते हैं या तो कोई इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, फ्लोट की वैल्यू पास नहीं करते हैं। ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि स्विच के केस में हम फ्लोट पास नहीं कर सकते, एरर आ जाएगी। फ्लोट या डबल हम सप्लाई नहीं कर सकते स्विच में, या तो उसके अंदर कैर पास करेंगे या तो कोई एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम यहां पर वैल्यू जो पास करेंगे वो कैरेक्टर या इंटीजर हो सकता है, तो यहां पर हम केस के में भी जो बनाएंगे वो भी कैरेक्टर या इंटीजर होगा। कैरेक्टर क्यों अलाउ होता है, क्योंकि कैरेक्टर भी इंटरनली ASCII कोड ही होता है जो कि एक इंटीजर वैल्यू होती है, इसलिए कैरेक्टर अलाउ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद होता है डिफॉल्ट, सबसे लास्ट में हम डिफॉल्ट लगा देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, बिल्कुल वैसे ही स्विच केस में अगर कोई वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर डिफॉल्ट चलता है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो जो भी हम यहाँ पर पैरामीटर स्विच के अंदर पास करेंगे उसके मिलता जुलता जो भी उसको केस मिलेगा वहां पे कंट्रोल जंप कर जाएगा। अब ये बात आप बहुत ध्यान से सुनना, कई सारे टीचर्स या फिर कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं और स्विच केस को बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। आपको उस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने क्या कहा, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये कहा कि हम यहां पर स्विच में जो भी वैल्यू पास करते हैं, कंट्रोल क्या करता है, कंपाइलर क्या करेगा कि जो कंट्रोल होगा उसको उस केस के पास जंप करवा देगा जहां पे उसका मिलता जुलता पैरेंथेसिस, उसका मिलता जुलता केस मिल जाएगा। जैसे कि मान लो कि अगर मैंने यहां पर केस में स्विच में पास किया 2 और यहां पर मान लीजिए केस 3 भी होगा, ठीक है, तो अब कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल सर्च करेगा कि क्या इससे मिलता जुलता कोई केस है। तो यहां पर क्योंकि स्विच में 2 पास किया है तो देखेगा कि केस ए जो है वो उससे मैचिंग नहीं है, फिर अगले पे जाएगा केस 2 उससे मैचिंग मिल गया, तो कंट्रोल जो है वो जंप करके इस वाले केस पर आ जाएगा। कंट्रोल कहां आ जाएगा, केस 2 पे आ जाएगा। बस इतना ही काम करता है स्विच केस, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। तो अब क्या होगा कि केस 2 के आने के बाद जितना भी लाइन का कोड है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन, मतलब केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा, केस 3 भी एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो मैंने यहां पर 3 सप्लाई किया होता तो कंट्रोल जंप करके केस 3 पे आ जाता और केस 3 के बाद जितना भी हमने कोड लिखा है वो पूरा एग्जीक्यूट होता, उसमें कुछ भी चीज स्किप नहीं होती। और अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू अगर मेरी मैच नहीं करती है तो फिर डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट चलता है, क्योंकि वहां पर जब कुछ नहीं मैच करता तो डिफॉल्ट चलता है। और डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी नहीं है, इट इज एन ऑप्शनल, जो डिफॉल्ट है इसको लिखना ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पर 2 पास करते हैं तो केस 2 चलता है, केस 1 पास स्विच में अगर हम 1 पास करते हैं तो केस 1 चलता है, तो ऐसा नहीं है, ये काम स्विच केस का नहीं होता है। ये जो काम करता है कि केस 1 चले सिर्फ या केस 2 चले सिर्फ, तो वो काम स्विच केस नहीं करता है, वो काम करता है हमारा ब्रेक कीवर्ड। जी हाँ, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है जिसको कि हम जहां पर भी लगा दें, जैसे कि मान लो कि अगर मैंने इसको ब्रेक को यहां लगा दिया, तो ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है कि अगर कंट्रोल ने ब्रेक देखा तो वो क्या करेगा, उसके नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कर्ली ब्रेसेस जहां पर उसको मिल जाएगा उसके बाहर कंट्रोल को फेंक देगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे ब्रेक अगर यहां पर मिल गया, मान लो कि केस ए की लाइन में एग्जीक्यूट कर रहा था और मुझे यहां पर ब्रेक दिख गया, तो कंट्रोल क्या करेगा कि ब्रेक के नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उस कंट्रोल को इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर फेंक देगा और इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर जो कोड होगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इस ब्रेक के नीचे और कर्ली ब्रेसेस से पहले का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर मान लो कि केस 2 के बाद भी मैंने ब्रेक लिख दिया
केस थ्री के बाद भी मैंने ब्रेक लिख दिया, तो फिर अब क्या होगा कि कंपाइलर अब क्या करेगा, कंट्रोल यहां पर आएगा स्विच के पास, और स्विच में अगर उसको टू मिल जाता है तो कंट्रोल जंप कर जाएगा केस टू के पास, अगर यहां पर थ्री लिखा है तो कंट्रोल जंप कर जाएगा केस थ्री के पास, और फिर उस केस की सारी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही उसको ब्रेक मिल जाएगा वो बाहर आ जाएगा। तो हमें ऐसा फील होगा कि स्विच में अगर हमने वन पास किया तो सिर्फ केस वन एग्जीक्यूट हुआ, स्विच में अगर हमने टू पास किया तो केस टू एग्जीक्यूट हुआ, हमें ऐसा फील होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में कंट्रोल जो है वो टू पर जंप कर जा रहा है या फिर केस थ्री पर जंप कर जा रहा है, और ब्रेक कीवर्ड क्या कर रहा है कि जैसे ही केस टू का कोड खत्म हुआ वो उसको फेंक दे रहा है स्विच के बाहर, या फिर केस थ्री का कोड अगर खत्म हो गया तो उसको फेंक दे रहा है ब्रेक के बाहर। लेकिन ब्रेक लिखना भी कंपलसरी नहीं है, ब्रेक लिखना भी ऑप्शनल है, मतलब कि अगर आपने लिखा तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा ब्रेक तो ब्रेक के नीचे का मतलब जितने भी लाइन लिखी है वो सारी लाइन एग्जीक्यूट होगी और कोई एरर नहीं आएगी, सारी की सारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर हुआ ये बात? बिल्कुल, स्विच के बाहर भी हम लोग लूप में भी लगा सकते हैं ब्रेक कीवर्ड को, ठीक है, इफ के अंदर भी ला सकते हैं, मतलब जो ब्रेक है उनको हम काफी सारी जगह पर यूज कर सकते हैं, जहां पर भी हम यूज करेंगे वो उस कंट्रोल को कहां फेंक देगा, कर्ली ब्रेसेस के बाहर फेंक देगा। क्लियर हो गया इतना बात? ठीक है, तो हम लूप में भी यूज कर सकते हैं स्विच हमारे ब्रेक कीवर्ड को, और स्विच केस में भी हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, तो हम इसको लूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब हम आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर पर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? सेम जो हमारा इफ एल्स ऑपरेटर, जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, वही काम हमारा कंडीशनल ऑपरेटर करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा इफ, इफ के अंदर यहां पर मैंने लिखी कोई कंडीशन, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं इस कर्ली ब्रेसेस के, इफ के कर्ली ब्रेसेस का कोई स्टेटमेंट वन है वो एग्जीक्यूट करूंगा, स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करूंगा, और एल्स, एल्स नहीं तो मैं क्या करूंगा कि else के पार्ट में स्टेटमेंट टू लिख दूंगा और वो एग्जीक्यूट करूंगा। ये काम मैं करता हूं किसमें? इफ एल्स में। अगर यही काम मुझे एक सिंगल लाइन में कराना है तो उसका एक ऑल्टरनेट मेथड है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि यहां पर हम लिखते हैं हमारी कंडीशन, हम यहां पर हमारी कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद में हम यहां पर हमारा स्टेटमेंट वन जो है वो लिख देंगे, फिर लगाएंगे कोलन, और फिर हमारा स्टेटमेंट टू लिख देंगे, और फिर हमारा लास्ट में जब हमारा एंड हो जाएगा तो सेमीकॉलन लगा देंगे। अब क्या होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा स्टेटमेंट वन चल जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमने लिखा है वो, और कोलन से पहले, तो क्वेश्चन मार्क के बाद और कोलन से पहले जो भी हमने लिखा है वो चल जाएगा, लेकिन एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए, यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स अलाउड नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम चला देंगे कोलन के बाद वाला, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोलन के बाद वाला चलता है, और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए। एक स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आप ब्रैकेट के अंदर नेस्टेड आप कई सारे वैल्यूज लिख सकते हो, कई सारे स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन वो कंबाइंडली लॉजिकली वो एक ही सेंटेंस होना चाहिए, एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए लॉजिकली। ठीक है, अब लॉजिकली एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए, इसका मतलब आपको धीरे धीरे आगे वाले कोड में समझ में आ जाएगा। तो ये आपको मैंने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है, अगर आपको थोड़ा सा नहीं भी समझ में आया हो तो अभी हम आगे वाले प्रोग्राम करने वाले हैं उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो तो अब मैं काम करता हूं, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? जब हमें कोई दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो हमें कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर हमें दो क्वांटिटीज को अगर कंपेयर करना है तो हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं कि थ्री क्या इक्वल है फोर के, हमें ये चेक करना है तो हम इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं। लेकिन यहां पर हम सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगा सकते, मैथ्स में लगा सकते हैं लेकिन सी लैंग्वेज में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर इक्वल टू ऑपरेटर जो है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि वो वैल्यू असाइन करने के काम आता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया int x और उसके अंदर मैं असाइन करना चाह रहा हूँ 5, तो जब मैंने x इक्वल टू 5 लिखा तो इसका मतलब ये होता है कि 5 को हम x में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इक्वल का मतलब क्या है? यहाँ पर इक्वल का मतलब ये है कि हम 5 को स्टोर करना चाहते हैं x में,
और इसलिए यहाँ पर जो इक्वल टू लगता है ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता है। अगर आप इसको इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हो तो आप गलत बोलते हो। यहां पर हम इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में इक्वल टू के लिए हम दो बार इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं। तो जब आप दो बार इक्वल लगाओगे तब उसको हम इक्वल टू बोलेंगे। तो अगर मुझे दो वैल्यूज को कंपेयर करना है कि वो दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं, तो हम यहां पर इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं दो बार। अगर मुझे चेक करना है कि x नॉट इक्वल टू 5 है क्या, मतलब x के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 5 के इक्वल है या नहीं, नॉट इक्वल टू मुझे चेक करना है, तो उसके लिए अब आप अपने कीबोर्ड में देखिए इस तरह का कोई भी सिंबल आपको नहीं दिखेगा कि इक्वल टू को कट किया गया। अब क्योंकि टाइपिंग तो हमें करनी है सी लैंग्वेज में, ठीक है, तो यहां पर तरीका क्या निकाला गया कि एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में इक्वल टू लगा देंगे। अगर एक्सक्लेमेशन साथ में इक्वल टू लगा दिया तो इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू। तो इक्वल टू के लिए दो बार इक्वल लगाएंगे और नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन के साथ इक्वल टू। बाकी लेस देन, ग्रेटर देन, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा मैथ्स में होता है, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। अब दूसरा एक होता है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब आप यहां पर भी कीबोर्ड में देखिए तो इस तरह का लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कोई भी सिंबल आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। तो इसका क्या तरीका निकाला गया? इसका तरीका ये निकाला गया कि पहले हम लेस देन ग्रेटर देन का साइन बनाएंगे और उसके बाद इक्वल टू लगा देंगे। तो इसको हम बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, या तो हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे और फिर लगा देंगे इक्वल टू का, तो हम इसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने का तरीका होता है सी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर आपको काम में आने वाले हैं जब हमें कोई दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है कि वो इक्वल है या इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या फिर लेस देन इक्वल टू है। ये बात क्लियर है? यहां तक बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए, जो कि आपके आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं, अपने नोट डाउन करके रख लीजिए कॉपी में, कहीं पर भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिए। एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? व्हेनेवर अ कंडीशन इज इवैल्यूएटेड इन सी, मान लीजिए कभी भी मैं कोई एक कंडीशन को इवैल्यूएट करता हूँ सी में, इट गिव्स अ वैल्यू 1 इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब कि अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो 1 रिटर्न करता है। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तो कंडीशन ट्रू होने का मतलब भी यही होता है कि कंडीशन सेटिस्फाई करना। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 1 करेगा, एंड 0 इफ इट इज नॉट सेटिस्फाई, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम 0 बोलेंगे, मतलब फॉल्स। तो अगर आपकी कंडीशन कभी भी कोई सी भी कैसी भी कंडीशन आपने लिखी है, कैसी भी कंडीशन आपने लिखी है, इसका मतलब कि आपने लिखा है कि 2 ग्रेटर देन 2 इज लेस ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज लेस देन 5। मान लीजिए कि आपने इस तरह की कंडीशन कोई सी भी लिखी है, बहुत सारी इस तरह से डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते सी लैंग्वेज में, लेकिन मान लीजिए कि अगर इस तरह की कोई हमने मिक्स्ड कंडीशन हम लिखी है तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है और या तो फॉल्स हो सकती है। अगर इसका रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा होगा तो यहां पर 1 आ जाएगा इस जगह पर, और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो रही होगी तो इस जगह पर 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर सी लैंग्वेज में कभी भी आपको ट्रू और फॉल्स बोलना है तो आप ट्रू और फॉल्स नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? 1 या 0। मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा है और आपने उसको पूरे को चेक किया। अब उस स्टेटमेंट को अब आपने जब चेक किया तो उसकी कंडीशन या तो मान लो ट्रू आ रही है या तो फॉल्स आ रही है। तो अगर वो ट्रू आती है तो उस पूरे स्टेटमेंट की जगह पर आप लिख दोगे 1, और अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो उस पूरे स्टेटमेंट की जगह पर आप लिख दोगे 0। तो ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0, दैट्स इट। इतनी चीज आपको याद रखनी है, क्लियर है। दूसरी बात, एनी नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ट्रुथ वेयर एज 0 इज ट्रीटेड एज फॉल्स। अब कोई भी नॉन जीरो नंबर हुआ तो वो हमेशा ट्रू माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो मैंने 256 लिखा, इसको भी हम क्या मानेंगे? ट्रू मानेंगे, और ट्रू मतलब होता है 1। अगर कहीं पर आपका रिजल्ट आता है -242, तो ये भी रिजल्ट माइनस में आया लेकिन ये नॉन जीरो नंबर है,
तो इसको भी हम ट्रू मानेंगे, मतलब वन मानेंगे। अगर आपका आंसर आता है 0.5, तो 0.5 भी एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसको भी आप ट्रू मानोगे, मतलब वन मानोगे। अगर कहीं पर रिजल्ट आता है जीरो, तभी आप उसको फॉल्स मानोगे, मतलब जीरो मानोगे। मतलब एवरी नॉन जीरो नंबर इज कंसिडर्ड एज ट्रू। अगर आपने कोई कंडीशन को सॉल्व किया, आपने पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और उससे कोई एक वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल समझा रहा हूं, जैसे कि मान लो कि आपने इफ की कंडीशन लगाई, अब आपको पता है इफ के अंदर या तो ट्रू पास करते हैं या तो फॉल्स। अब अगर मान लीजिए आपने यहां पर लिख दिया 3+4 इफ के अंदर, अब इफ के अंदर अगर आपने 3+4 लिख दिया और इसकी कर्ली ब्रेसेस से बॉडी बना दी, तो अब ये कंडीशन क्या मानी जाएगी, ट्रू मानी जाएगी या फॉल्स? तो 3+4 होता है 7। 3+4 क्या होता है? 3+4 होता है 7। और 7 क्या है? 7 एक नॉन जीरो नंबर है, और नॉन जीरो नंबर को हम क्या मानते हैं? ट्रू मानते हैं। इसका मतलब कि यहां पर इसको हम मानेंगे 1, और कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा और इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इफ के अंदर लिखा हुआ है 2-2, अब क्या होगा? क्योंकि 2-2 हो जाएगा 0, और 0 को हम मानते हैं फॉल्स, तो यहां पर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस लाइन का ये मतलब है कि अगर कभी भी आपको कोई नॉन जीरो नंबर कहीं पर दिखता है और वहां पर आपको कंडीशन चेक करनी है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो अगर नॉन जीरो नंबर दिख जाता है तो आप उसको ट्रू मानोगे, और अगर जीरो दिखता है तभी आप उसको फॉल्स मानोगे। ये पॉइंट भी समझ में आ गया? इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, कंटिन्यू पढ़ो। बीच में अगर क्लास छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं फ्री चीज देने में थोड़ा सा झिझकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्री में चीज देते हैं तो वहां पर लोग वैल्यू नहीं करते उसकी। आज क्लास देख ली, कल नहीं देखी, आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जहां आप अगर आपने फीस पे कर दी तो आपका सिंसेरिटी लेवल बढ़ जाता है कि नहीं यार, मैंने इतनी फीस दी, अब तो मुझे पढ़ना है। तो बिल्कुल आप ईमानदारी से पढ़िए। आपको मैंने पहले दिन भी कहा था जब ये अनाउंसमेंट किया था कि आप ये मान लो कि आपने मुझे 1,00,000 रुपए पे किए हैं, आप तो अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे दो कि आपने मुझे 1,00,000 रुपए पे किए हैं ये सब पढ़ाने के लिए। अब आप सोच के ये पढ़ोगे तो अब आपको इंटरेस्ट समझ में आएगा, नहीं तो आपको फ्री की तो क्या है ना, वैल्यू होती नहीं है। फ्री की चीजों की कभी कोई वैल्यू करता नहीं है, लगता है अरे यार ये सब चीजें तो फ्री में मिल रही है, आज पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन आप ये सोच के पढ़ो कि आपने मुझे 1,00,000 रुपीज पे किए हैं, उसके बाद आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप ध्यान से भी पढ़ोगे और बिल्कुल आखिरी तक हर एक क्लास अटेंड करोगे, प्रॉपरली नोट्स बनाओगे और रिजल्ट भी दोगे, ठीक है। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग ये मान के पढ़ो कि आपने मुझे फीस पे करी है तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, और मैं भी यही सोच के पढ़ाता हूँ कि आपने मुझे फीस दी है, ठीक है ना। मैं भी अगर ये सोच के पढ़ा दूँ कि फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं शायद से नहीं पढ़ा पाऊंगा ये सब चीजें, इसलिए मैं भी अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ कि मैंने आप लोगों से फीस ली है और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग भी अपना माइंड को प्रिपेयर करके ही पढ़ाई करो, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, यहाँ पर हम टाइम पास बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट इन द इफ ब्लॉक, अगर मान लो कि हमारे इफ ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, देन द पेयर ऑफ ब्रेसेस कैन बी ड्रॉप्ड। अभी मैंने आपको सिंटेक्स बताया था इफ का कि हम इफ के अंदर यहां पर कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन के बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, और उस कर्ली ब्रेसेस में हम कितने भी लाइन का कोड लिखेंगे वो सब इफ की बॉडी का पार्ट माना जाएगा। मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कर्ली ब्रेसेस जहां से शुरू हुआ है और जहां पर खत्म हुआ है उसके बीच में जितने भी लाइन का कोड लिखा है वो सारी लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर मान लो कि आपका जो इफ की बॉडी है उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन का कोड आपने लिखा है, तो आप कर्ली ब्रेसेस लगा दो तो भी ठीक है, और अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, कोई गलत नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर आपका इफ का बॉडी है, एल्स की बॉडी है, ये सब में एप्लीकेबल है, ठीक है ना। हम वाइल बना दे, डू वाइल बना दे, फॉर लूप बना दे, ये सब जगह ये बात एप्लीकेबल है। क्या? कि अगर आपकी जो बॉडी है, आपका ये जो इफ की बॉडी है हुई, ठीक है, आपकी जो इफ की बॉडी हुई, आपका जो एल्स पार्ट की जो बॉडी हुई, आपका वाइल और डू वाइल हुआ, अगर आपने इसमें सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है तो आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ चाहे ना लगाओ, एक ही बात है। इसको दूसरी भाषा में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपने इफ का कोड लिखा, आपने इफ लिखा, उसके नीचे कंडीशन लिखी और उसके बाद आपने चार लाइन का कोड अगर आपने लिख दिया,
तो क्या होगा, एरर आएगी क्या? कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया तो नहीं, एरर नहीं आएगी। कंपाइलर क्या समझेगा? कंपाइलर ये समझेगा कि इफ की कंडीशन आपने लिखी है और कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाया है, तो कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाया है इसका मतलब कि इसके बाद की जो एक लाइन लिखी हुई है वो तो इफ की बॉडी का पार्ट है, लेकिन उसके बाद की जो लाइनें लिखी हुई है वो इफ की बॉडी का पार्ट नहीं है। ठीक है, कंपाइलर क्या समझेगा? अगर मान लो कि इफ के बाद में अगर आपने चार लाइन का कोड लिख दिया, और मैंने क्या कहा कि अगर आपने चार लाइन का कोड अगर इफ की बॉडी में लिखा है तो आपको कर्ली ब्रेसेस बनाना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाया, आपको आपको दिमाग में याद नहीं रहा कि आपने उसको कर्ली ब्रेसेस बनाना था, तो क्या एरर आएगी? नहीं, एरर नहीं आएगी, क्योंकि कंपाइलर को थोड़ा ना पता, कंपाइलर को थोड़ा ना पता कि आप इफ की बॉडी में चार लाइन का कोड लिखने वाले हो या छह लाइन का कोड लिखने वाले हो। वो तो ये मानेगा कि आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाया है, इसका मतलब कि इफ की बॉडी में आप एक ही लाइन का कोड लिखना चाह रहे थे, क्योंकि अगर एक लाइन का कोड अगर होता है तो कर्ली ब्रेसेस बनाना जरूरी नहीं होता है। तो फिर क्या होगा कि कंपाइलर ये समझेगा कि इफ की बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन का कोड है और बाकी की जो तीन लाइनें लिखी है वो इफ की कंडीशन का पार्ट नहीं है। अब अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो ऐसा ये होगा कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन बाकी की जो तीन लाइन है वो इफ का पार्ट ही नहीं है, वो इफ की बॉडी में है ही नहीं, तो जो इफ की बॉडी में है नहीं वो तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे इफ की कंडीशन ट्रू हो चाहे इफ की कंडीशन फॉल्स हो, क्योंकि वो इफ की बॉडी का पार्ट ही नहीं है तो वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो आने वाले क्लासेस में हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं इस पे बेस्ड, तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, डाउट नहीं होना चाहिए, आ गया होगा आई थिंक आपको समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट, तो हमने पढ़ लिया कि इफ द इफ ब्लॉक देन द पेयर ऑफ द ब्रेसेस कैन बी ड्रॉप। ठीक है, अगर एक ही ब्रेसेस होता है तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं, एक ही लाइन का अगर कोड होता है तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन वन कंडीशन कैन बी कंबाइंड टुगेदर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब एक लॉजिकल ऑपरेटर्स भी एक तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़ लिए? हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉड्यूलो। उसके बाद हमने अभी रिलेशनल ऑपरेटर देखे, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फिर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? तो ये देखो, डबल दो बार मैंने एंड लिखा है, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ये दो बार हमने वर्टिकल बार बनाया है, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। और ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अब इन लॉजिकल ऑपरेटर का क्या काम होता है? अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइंड करना है, ज्वाइन करना है, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एक से ज्यादा कंडीशंस कैसी हो सकती है? एक से ज्यादा कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक कंडीशन है हमारे पास कि मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, और दूसरी एक कंडीशन है कि मैं खेलने जाऊंगा। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में, कंडीशन के बीच में या तो एंड लगा हुआ हो सकता है या तो और लगा हुआ हो सकता है। मतलब कि इन दोनों कंडीशन के बीच में या तो एंड हो सकता है या तो और हो सकता है। मतलब कि आप, हो सकता है कि खाना भी खाओ और खेलने भी जाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अगर खाना खाओगे तो खेलने नहीं जाओगे, और अगर आप खेलने नहीं जाओगे तो खेलने जाओगे तो खाना नहीं खाओगे। मतलब दोनों के बीच में या तो एंड लगा हो सकता है या तो और लगा हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर आपको कंबाइन करना है तो आपको बीच में एंड या और लिखना पड़ता है। अब सी लैंग्वेज में एंड और लिखने का तरीका क्या है? तो अगर मान लो सी लैंग्वेज में अगर हमें एंड लिखना है तो हम ये दो बार एंड लिखते हैं, एक बार नहीं लिखते, दो बार लिखते हैं। थोड़ा सी लैंग्वेज कमजोर है पढ़ाई लिखाई में, उसको चीजें थोड़ी कम समझ में आती है, तो उसको जब हम दो बार बोलते हैं ना तब उसे एक बार समझ में आता है। तो जब हम उसको दो बार एंड बोलेंगे ना तब उसको एक बार समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से अगर हमें और लिखना है तो हम एक बार वर्टिकल बार नहीं लगाएंगे, हम दो बार वर्टिकल बार लगाएंगे, तो इसलिए दो बार वर्टिकल बार लगाते हैं। उसके बाद ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है नेगेट करने का काम करता है। क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात बोलते हैं और सामने वाले को हमेशा उल्टा समझ में आता है। ठीक है ना, मैंने बोला कि ये बात सच है, मैंने कहा कि ये बात सच है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करता है, जो सच होता है उसको झूठ कर देता है, और जो झूठ होता है उसको वो सच कर देता है। और जब ऐसा करना होता है ना तो आदमी को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक ही बार में समझ जाता है। जो उल्टा समझने वाला होता है ना उसको दो बार एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार में समझ जाता है।
वो तो क्या करेगा, आपने ट्रू बोला वो मानेगा ही नहीं, वो तो बोल देगा नहीं तुमने तो झूठी बोला है, और जहां झूठ बोल दोगे वो बोलेगा नहीं तुमने तो सच बोला है। उसको एक ही बार में वो बात समझ में आ जाएगी, तो उसको दो बार एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करता है, नेगेट करने का काम करता है, नेगेटिव करने का काम करता है। पॉजिटिव दोगे तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव दोगे तो पॉजिटिव कर देगा। ये बात आई क्लियर समझ में, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर। इतनी एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर में एक बातें मैं और बता देता हूं, एंड ऑपरेटर की हम बात करते हैं, एक एक करके मैं बताता हूं। तो जैसे कि मान लो कि अगर हम एंड ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, एंड ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं एंड ऑपरेटर की यहां पे बात करूं, तो एंड ऑपरेटर में दो कंडीशंस हो सकती है, मैंने कहा, ठीक है। हाँ, व्हेन वी विल यूज एंड एंड और ऑपरेटर, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। हम कब यूज करते हैं, जब मान लीजिए मैंने ये कंडीशन वाली की है C1 और मेरे पास एक कंडीशन है C2, और अगर मैं कहना चाहता हूं कि दोनों कंडीशन के रिजल्ट, दोनों कंडीशन को चेक करके ही हम फाइनल रिजल्ट देंगे, तब हम लगाते हैं एंड। जैसे कि आपने, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, कई बार आपने एग्जाम दिया होगा अपना, ठीक है, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पेपर जब आता होगा तो वहां पर आपको ऐसा लिखा हुआ होता होगा क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ठीक है, आपके पास पेपर में दो सवाल आए हैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है 1 मार्क और इसके आगे भी लिखा हुआ है 1 मार्क। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि अगर आपको टोटल 2 मार्क्स गेन करने हैं तो आपको क्वेश्चन 1 भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन 2 भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि दोनों के बीच में एंड लगा है, दोनों के बीच में क्या लगा है, दोनों के बीच में एंड लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों अगर आप सही अटेम्प्ट करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आपने एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया और दूसरा नहीं किया आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका टीचर बहुत वो है, स्ट्रिक्ट है, उसने दोनों के बीच में लगा दिया है एंड, मतलब आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों ही करना कंपलसरी है, अगर आपने दोनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 के बीच में हमने लगा दिया एंड, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब होता है फॉल्स, तो अगर आपने दोनों क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं किए तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, 0। अगर आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और दूसरा कर भी दिया तब भी आपको 0 ही देगा टीचर, अगर आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और दूसरा नहीं किया तब भी आपको वो 0 ही देगा। जब आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट सही से करोगे तभी वो फाइनली आपको रिजल्ट देगा 1, मतलब कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर 0 है तो आपको मार्क्स 0 ही मिलने वाला है, जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपको ट्रू मिलेगा, ये कहलाता है एंड ऑपरेटर। उसी तरीके से हम बात करते हैं और ऑपरेटर की, उसी तरीके से हम अगर बात करें और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर के केस में क्या होगा कि अब आपका टीचर जो है वो अच्छा है, दोनों वर्टिकल बार उसने लगा दिए, अब वो टीचर अच्छा है, उसने कह दिया और, आप बड़े खुश हो गए, आपने जैसे ही देखा और आप तो बिल्कुल गदगद हो गए, फूले ही नहीं समा रहे हो, आपने कहा कि अरे वाह, एक भी क्वेश्चन अगर बन गया ना हमें तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब अगर आपने दोनों क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए ना तो ही आपको 0 मिलेगा, अगर आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया दूसरा अटेम्प्ट कर लिया तो भी 1 मिल जाएगा, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया दूसरा नहीं किया तब भी मिल जाएगा, और अगर आपने ज्यादा होशियार बन गए कि दोनों ही क्वेश्चन हम तो कर लेते हैं तब भी आपको मार्क्स एक ही के मिलेंगे, दोनों के नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो दोनों में से एक भी सवाल अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपको 1 मिलेगा, दोनों अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए तो 0। तो इस तरह से लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल एंड ऑपरेटर वर्क करता है दो कंडीशंस के ऊपर। अब ये कंडीशंस जो होती है वो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो सकता है जिसको कि हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसका रिजल्ट या तो 0 आएगा या तो नॉन 0 आएगा, अगर नॉन 0 आएगा तो हम उसको 1 मानेंगे और अगर 0 आएगा तो 0 मानेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एवरी नॉन 0 स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज ट्रू 1। अगर आपका कोई सा भी नॉन 0 नंबर आ जाता है तो आप उसको ट्रू मानोगे, तो पहली कंडीशन में कोई एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे, उसकी जगह पर अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर आ जाएगा तो आप उसको 1 मानोगे, और अगर उस पूरे की जगह पर अगर 0 आ जाता है तो आप उसको 0 मानोगे, और ऐसे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों को सॉल्व करके फिर आप डिसाइड करोगे कि ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। इस तरीके से आप एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने में आपका जो है लॉजिकल ऑपरेटर हेल्प करता है। गॉट इट? अब क्लियर है सबको? आई थिंक अब 100% क्लियर होगा, ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो अब
प्रेसिडेंस की बात आती है। अब अगर मान लीजिए हमने इतने सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिए, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिए, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ लिया और लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिए, तो अब अगर मान लो कि ये सारे ऑपरेटर्स अगर एक साथ अगर किसी स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो पहले कौन सा स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो फिर हम फाइनल आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, एंड गेट और ऑर गेट यहीं से ही बना हुआ है। ठीक है, एंड गेट और गेट सब एक ही चीज है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यहां पर प्रायोरिटी इस तरह से है कि आपका जो लॉजिकल नॉट होता है ये एक तरीके का यूनरी ऑपरेटर होता है, और यूनरी ऑपरेटर जितने भी होते हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, यूनरी प्लस यूनरी माइनस जितने भी यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। ठीक है, आपको जब पूरे ऑपरेटर्स पढ़ा दूंगा ना तो उसके बाद में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप सारे ऑपरेटर्स को एक बार में याद कर लोगे, कभी भूलोगे इन लाइफ टाइम। ठीक है, उसकी आप चिंता मत करो, अभी मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा जब हम सारे ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद ये सारे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये सारे कौन से हैं, ये सारे हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में भी दो कैटेगरी बनाई हुई है, मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉड्यूलो की प्रायोरिटी ज्यादा रखी है और प्लस और माइनस की प्रायोरिटी कम रखी है। तो यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉड्यूलो की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और प्लस और माइनस की प्रायोरिटी कम होती है। उसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद किसको चांस मिलता है, रिलेशनल ऑपरेटर को, और रिलेशनल ऑपरेटर में भी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की प्रायोरिटी कम होती है। मतलब कि अगर हमारे पास ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये ऑपरेटर्स पहले सॉल्व होंगे, इक्वल टू ऑपरेटर और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा। फिर आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और ऑपरेटर दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, और लास्ट में आपका चलता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो समझ लो सबसे लास्ट में चलता है, तो यूनरी आपका सबसे पहले चलता है और असाइनमेंट ऑपरेटर आपका सबसे लास्ट में चलता है। ठीक है, अब अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉड्यूलो जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या होगा, तो हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉड्यूलो सबकी प्रायोरिटी सेम है, तो फिर हम लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी से करते हैं सॉल्व। मतलब जो ऑपरेटर हमें लेफ्ट में दिखता है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं और राइट वाले को बाद में करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर रिलेशनल ऑपरेटर भी एक साथ आ जाते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स जो है इन सबकी प्रायोरिटी सेम है, तो अगर ये सब ऑपरेटर्स एक साथ आ गए तो फिर क्या करेंगे, तब भी हम पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे फिर राइट वाले को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट। उसी तरह से एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर भी अगर एक साथ आ गए तो पहले हम लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे फिर राइट वाले को सॉल्व करेंगे। इस तरह से ये पूरी प्रायोरिटी है जो आपको याद रहनी चाहिए, सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, और सबसे लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर हुआ, आगे समझ में आपको, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सर्किट्स वगैरह बनाना हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, है ना, उसके लिए आप चिंता मत करो। गॉट इट, यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो, कंडीशनल ऑपरेटर जो मैंने आपको बता दिया कि कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर में यहां पर आपकी कंडीशन होती है जहां पर मैंने एक्सप्रेशन वन लिखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ये वाला चलेगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका एक्सप्रेशन थ्री चलेगा। ठीक है, क्लियर है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब एक एक करके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, जो हमने इतना सारी चीजें पढ़ी है क्या इसको पढ़ने के बाद हम कुछ कैपेबल हुए हैं क्या कुछ आउटपुट निकालने के। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो और इसका आउटपुट निकाल के बताओ कि क्या होगा। बिल्कुल, वो अभी बता रहा हूं मैं, अमर, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं उसको, जो आपने कहा है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, उसको कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आप चिंता मत करो, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, आपने जितना सोचा है ना उससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है उसको मैं अभी बताऊंगा। हरिओम, नोटिफिकेशन निमसेट का जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा, अभी नहीं आया है। ठीक है, उसको कोड ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, वो क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, x के अंदर है 10, y के अंदर है 5, a और b x के अंदर x
के अंदर आया है एक्स ग्रेटर देन 9 और बी के अंदर आया है एक्स ग्रेटर देन 3 एंड वाई नॉट इक्वल टू 3 और ए और बी की वैल्यू हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। बताओ क्या प्रिंट होगी? पीयूष ने कहा 11, अमर ने कहा 11, सुरेश ने कहा 11, अखिलेश 11। और जल्दी से सब लोग बताओ, 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूं, सभी लोग अपना आंसर बताओ जल्दी से। जैनुद्दीन 11, और अमन तिवारी 11, और सब लोग बताओ। बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं वो कहीं पर भी अभी बीच में गए नहीं है। 20-22 लोग मैं देख रहा हूँ कॉन्करेंटली देख रहे हैं क्लास, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज देख लिया क्लास कल नहीं देखी, वो वही लोग हैं जिनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। आप लोग क्लास देखो, कहीं पे भी क्लास छोड़ो मत। आर्टिफिशियल टैग 11, बहुत मेहनत से क्वेश्चंस निकाल रहा हूं मैं आप लोग के लिए और पढ़ा रहा हूं, मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने दो, है ना। सार्थक 10, चलो बिल्कुल चलो। तो अब आप देखते हैं कि पहले अब क्या होगा। हमने यहाँ पर एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर असाइन हो गया है 10। आप मेमोरी ब्लॉक बनाते हुए चलिए, इस तरीके से आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि x के अंदर क्या था और y के अंदर क्या था। आपको याद रखने की टेंशन ही नहीं करनी। x के अंदर 10 आ गया, y के अंदर 5 आ गया, a और b के अंदर अभी गार्बेज वैल्यू रखी है, क्या रखा है वो हम कह नहीं सकते, ठीक है। अब हमारा ये वाली लाइन चलेगी, a के अंदर असाइन कर रहे हैं x ग्रेटर देन 9। अब देखो यहाँ पर दो ऑपरेटर आ गए, असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ गया और रिलेशनल ऑपरेटर भी आ गया। अब बताओ असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी मैंने कहा सबसे कम होती है, सबसे कम, सबसे लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर चलता है। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा? रिलेशनल ऑपरेटर। अब वो चेक करेगा कि x ग्रेटर देन 9 कंडीशन कैसी है। अब x के अंदर रखा हुआ है 10 और 9 के अंदर 9, तो 10 ग्रेटर देन 9 कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। और ट्रू मतलब क्या होता है? ट्रू मतलब होता है 1। मैंने अभी आपको बताया कि एवरी नॉन जीरो नंबर इज कंसिडर्ड एज ट्रू, जिसको कि हम 1 बोलते हैं। तो 1 जो है वो किसके अंदर चला जाएगा? 1 जो है वो a के अंदर चला जाएगा, तो a के अंदर आ चुका है 1। उसके बाद अब कंडीशन नेक्स्ट लाइन चलेगी b, और यहां पर भी बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, लॉजिकल ऑपरेटर भी है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। तो अब सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा? तो आपको पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी पहले आ जाएगी। देखिए अभी हमने यहां पर लिखा था, ये देखिए रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी पहले है और लॉजिकल एंड ऑपरेटर की प्रायोरिटी बाद में है, तो पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स चलेंगे। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर यहां पर चलेंगे, तो यहां पर कंडीशन 1 पहले चलेगी, तो कंडीशन 1 चलेगी और x ग्रेटर देन 3 चेक होगा, तो 10 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब कंडीशन 2 चेक होगी, कंडीशन 2 चेक होगी, तो यहां पर हम चेक करेंगे y नॉट इक्वल टू 3, तो y के अंदर 5 है, 5 और 3 बराबर नहीं होता है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन 1 भी ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो 1 एंड 1 आ गया। और अभी मैंने आपको ट्रूथ टेबल बनवाया था, उसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं, जो मैंने आपको टेबल बनवाया था, तो 1 एंड 1 दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब आपने क्वेश्चन 1 भी अटेम्प्ट कर लिया और क्वेश्चन 2 भी अटेम्प्ट कर लिया, तो आपको फाइनली 1 मार्क्स मिल जाएगा जो बी के अंदर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी में भी 1। तो प्रिंट होगा ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1, तो मोस्टली सभी ने करेक्ट आंसर दिया था, तो बिल्कुल सही है। ये बात क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 1 1, ए इक्वल टू 1 प्रिंट करेगा और बी इक्वल टू 1 प्रिंट करेगा। अगर कोई अभी बाद में आया है वीडियो देखने के लिए तो शुरू से पूरा वीडियो देख लेना, बहुत सारी बातें मैंने इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, इनको नोट डाउन करते हुए चलना और कोई क्लास छोड़ना नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। वैसे ही हम बहुत स्पीड में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं पर आपको, मैं वैसे ही, मेरी फ्लुएंसी बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैसे ही भी बहुत फ्लुएंटली बोलता हूँ, मेरी जो स्पीड होती है बोलने की वो थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होने दूंगा, और जल्दी जल्दी चीजें कवर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल क्लासेस को छोड़ना मत, ठीक है ना। ये क्लासेस जो होती है, जो मैं एक क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कहीं पर अगर आप पढ़ने जाओगे तो 4 से 6 क्लास में भी आपको पढ़ाया जा सकता है,
तो मैं इसको बहुत कम से कम टाइम में मेन मेन पॉइंट्स आपको बताते चल रहा हूँ, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। ठीक है, तो ये मैंने इस प्रोग्राम को चलाया है और वन प्रिंट करवाया। तो प्रोग्राम चलाकर भी आपको मैं एक तरीके से स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, कोई प्रोग्राम चलाकर भी नहीं दिखाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बिल्कुल फुल पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपको एकदम ही बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं है अगर पता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं फुल कोर्स लेकर पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी सी प्रोग्रामिंग नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, प्रोग्राम बनाना भी सीखना है, तो फिर आपको आप उससे कॉन्टेक्ट करके फुल कोर्स, एक वो वाला भी मेरे पास है जिसमें प्रोग्रामिंग भी सिखाई हुई है, बेसिक्स भी पढ़ाया हुआ है। मैं यहाँ पर क्योंकि गेट स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत 10-20% एटलीस्ट तो आपको सी लैंग्वेज का नॉलेज होगा, मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार बॉय का 0 आंसर आ रहा है, अमर का 1 आंसर आ रहा है। बिल्कुल फंक्शन पॉइंटर्स भी पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करके सब पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में पहुंच गए, फंक्शन पॉइंटर्स पर हम इस हफ्ते के एंड में या फिर नेक्स्ट वीक में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अखिलेश ने 1 कहा, दीपक ने 0 कहा, और सुरेश 1, अवि 0, और बताओ सब लोग। चलो अब देखो, एक यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपने शायद नोटिस ना करी हो, आप मुझे ये भी बताओ साथ ही साथ कि ए की और बी की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करता तो क्या होता। अगर मैं यहां पर एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू के साथ साथ अगर ए की वैल्यू भी अगर हम प्रिंट करते और बी की वैल्यू भी प्रिंट करते तो क्या प्रिंट होती, आप ये भी बताते हुए चलना। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं कि होगा क्या। सबसे पहले ए वेरिएबल बनेगा, तो हमने ये ए वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर क्या असाइन हो जाएगा, उसके अंदर 30 असाइन हो जाएगा, तो हमने ए के अंदर 30 असाइन कर दिया। फिर एक बी नाम का वेरिएबल बनेगा, ये हमने बी नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर 40 असाइन हो जाएगा, ये हमने उसके अंदर 40 असाइन कर दिया। उसके बाद एक एक्स नाम का वेरिएबल बन जाएगा और उसके अंदर कुछ भी असाइन नहीं किया, मतलब उसके अंदर अभी गार्बेज है। ठीक है, तीनों वेरिएबल हमने बना दिए। अब अगली लाइन पे आए, अब यहाँ पर कंडीशन 1 पहले चेक होगी, तो a इज नॉट इक्वल टू 10 कंडीशन चेक होगी, तो a के अंदर रखा हुआ है 30 और 30 जो है वो 10 के इक्वल नहीं होता है, तो कंडीशन हो गई ये वाली ट्रू, तो पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। एंड अब दूसरी कंडीशन चेक करना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि यहां पर ये इक्वल टू वाला साइन नहीं दिया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर दिया है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है b में हम असाइन कर रहे हैं 50 और इसको करली ब्रेस यहां पे हमने, क्योंकि आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, लेकिन हमने इसकी प्रायोरिटी को बढ़ा दिया क्योंकि यहां पर लगा दिया ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो इसके कारण इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज हो गई। तो पहले अब ये सॉल्व होगा पूरा। अब इसमें क्या हुआ कि b की वैल्यू को 50 से कंपेयर नहीं कराया हमने, ये कंपेयर नहीं कराया कि क्या 40 बराबर 50 है। अगर ऐसा करना होता तो हम यहां पर 2 बार इक्वल टू लगाते, लेकिन यहां पर 2 बार इक्वल टू नहीं लगा है, 1 ही बार इक्वल टू लगा है। तो अब क्या होगा, ये जो 50 है ये b में चला जाएगा, तो यहां पर जो पहले b के अंदर 40 था वो चला गया और यहां पर आ गया 50। ये बात आई क्लियर समझ में, फिर से बता रहा हूं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो b असाइनमेंट ऑपरेटर 50 लिखा हुआ है, 2 बार इक्वल नहीं लगाया है, मतलब हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि क्या 40 50 के बराबर है, बल्कि हम क्या कर दिया हमने गलती से, हमने गलती से इक्वल टू का एक ही सिंबल लगाया, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी वैल्यू हमने लिखी है उसको वो बी में असाइन कर देगा, तो b के अंदर 50 चला जाएगा जो कि पहले 40 था। अब इस पूरी जगह पर क्या आ जाएगा, अब इस पूरी जगह पर आ जाएगा 50, इस पूरी जगह पर क्या आ जाएगा, इस पूरी जगह पर आ जाएगा 50। अब ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी या फॉल्स मानी जाएगी, मैंने आपको अभी बताया था कि एवरी नॉन जीरो नंबर, कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर होता है तो वो ट्रू होता है, मतलब 1 होता है। तो अगर यहां पर 50 आ गया है तो क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं है, तो इसको हम 1 मानेंगे, मतलब ट्रू मानेंगे, तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। और जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल रिजल्ट 1 आता है, मतलब ट्रू आता है। तो यहां पर कंडीशन 1 भी ट्रू हो गई, कंडीशन 2 भी ट्रू हो गई और x के अंदर 1 आ गया, तो x की वैल्यू तो 1 प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अगर हम a की वैल्यू और b की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो a के अंदर अभी भी 30 है, लेकिन b की जो वैल्यू है वो अब 50 हो चुकी है, तो x की वैल्यू 1 प्रिंट होगी,
ए और बी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में नहीं प्रिंट करवा रहा है, लेकिन अगर हम प्रिंट करवाते तो ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 50 प्रिंट होती। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, तो काफी लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, काफी लोग इसमें वो भी हैं जो ऑलरेडी मेरे से सी पढ़े हुए हैं, तो उनको ये कॉन्सेप्ट पहले से ही समझ में आ गया होगा। ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अब जो है एक क्वेश्चन मैं आपको और दे ही देता हूं। तो ये मैंने इसको रन किया और इसका आउटपुट आया x इक्वल टू 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो। करो ये वाला क्वेश्चन। हाँ, अभी जो YouTube पे जो स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं वो डेमो वीडियोस रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ये सब जगह हेल्प करने वाली, प्लेसमेंट के लिए भी अगर आप तैयारी करते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पर भी करने पड़ते हैं। हाँ, वहां पर लेकिन प्रोग्रामिंग पे भी आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अमरनाथ ने कहा 1, अखिलेश ने कहा 1, जैनुद्दीन 1, पीयूष 1। ठीक है, और बताओ। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर कंडीशन चेक होगी ए के अंदर, पहले ए नाम का वेरिएबल बनेगा। आप हैबिट डाल लो कि आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, फ्यूचर में कभी गलती नहीं होगी। आदतें आप अभी से सुधार लोगे तो आगे चल के कोई गलती नहीं होगी। बी आपने वेरिएबल बनाया उसके अंदर 200 आ गया, और सी अंदर वेरिएबल बनाया इसके अंदर अभी हमने कुछ भी असाइन नहीं किया। अब यहाँ पे देखो और ऑपरेटर लगा है, पहले कंडीशन 1 चेक होगी, तो ए को हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से, दो बार इक्वल टू लगाया मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो 100 इक्वल टू 100 कंडीशन हो गई ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब ऑब्वियसली पहली कंडीशन ट्रू हो गई है तो दूसरी कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो रिजल्ट है वो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू ही आएगा और सी के अंदर 1 आ जाएगा, सी के अंदर 1 आ जाएगा और सी की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है? अब एक रूल मुझे आप लोग को बताना रहेगा कोड ऑप्टिमाइजेशन, आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा कि ये कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर पर लगता है। ठीक है, वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसी क्वेश्चन से ही हम शुरू करेंगे ताकि आपको उसको जो कोड ऑप्टिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता सकूं, और उसके उसके लिए मैं प्रोग्राम बनाते हुए समझाऊंगा कि कंडीशन 1 कब चेक होती है, कंडीशन 2 कब चेक होती है, कब नहीं चेक होती है, ये सारी बातें मैं आपको कल की क्लास में बताने वाला हूं। तो कल की क्लास छोड़ना नहीं, अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो सब आपको पढ़ना है। समझ नहीं आया अभी कि क्या समझ में नहीं आया बोलो। देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपने पहले से क्लास अटेंड करी है तो आप देख लेना, पूरी क्लास देखो, तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक है कंडीशन 1 ए इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन है बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू है क्योंकि 100 इक्वल टू 100 कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है और, ये है और ऑपरेटर। और अब सेकंड कंडीशन अभी मान लेता हूं कि मैंने एग्जीक्यूट किया तो 200 ग्रेटर देन 200 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है ना, ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। और अभी मैंने बताया कि ट्रू मतलब होता है 1, ट्रू मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरी कंडीशन जब चेक होगी, ये पूरी कंडीशन जब सॉल्व होगी तो इस पूरे की जगह पर आ जाएगा 1 और 1 जो है वो सी में असाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। अब क्लियर है, यहाँ पर सी इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अभी आप ऑनलाइन ले सकते हो। ठीक है ना, चलो तो काफी सारी चीजें आप हमने देख ली है, अगर आप लोग की कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो आप अटेंड जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग का फर्ज बनता है कि यहाँ पर लोगों को लेकर आओ ताकि यहाँ पर क्राउड बढ़े, आप लोग का भी इससे बेनिफिट होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, टेस्ट में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे यहाँ पर कॉम्पिटिशन में फेस करने के लिए, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे अपना स्कोर इम्प्रूव करने के। आपको पता होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने लोग आपसे आगे हैं और आपको कितना आगे और निकल सकते हो। टेस्ट आपका इस बार हो सकता है कि मैं वीक संडे से पहले भी एक आध टेस्ट आप लोग को दे दूं, लेकिन संडे को तो आपका टेस्ट होगा ही, जितना पढ़ाया है उस टॉपिक पे बेस्ड टेस्ट जितने भी लोगों को देना है, जो भी इंटरेस्टेड है सबको ही देना चाहिए टेस्ट, तो
तो नीचे ऐप की लिंक है, आप ऐप को उसको डाउनलोड कर लो और उसमें टेस्ट सेक्शन, जैसे ही आप ऐड डाउनलोड कर लोगे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूंगा, गेट और नेट के बैच में। तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने डाउट्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं, चैटिंग वहां पर हो सकती है, कोई नोटिफिकेशन होता है वो भी मैं आप लोग को वहां पर उसमें देख सकता हूँ। तो वो सारा उस ऐप में फीचर होता है, तो आप उसको ऐप को इंस्टॉल कर लेना तो आपको टेस्ट देने को मिल जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। ऑब्वियसली उस ऐप को का जो कॉस्ट है वो मुझे देना पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों से अभी नहीं ले रहा हूँ, वो आपके लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर क्योंकि यूट्यूब पर हम टेस्ट नहीं करवा सकते, और टेस्ट किए बिना, टेस्ट लिए बिना आप खुद नहीं जान पाओगे कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी पढ़ाते जाऊंगा उसका वीकली टेस्ट होगा, और हो सकता है कि वीक में किसी दिन 2 या 3 बार भी टेस्ट हो जाए। तो जितना जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उस पे बेस टेस्ट भी होगा, जिससे कि आप आपको एनालिसिस कर सको, आपको मैं एनालिसिस रैंक भी दिखाता हूँ कि क्या उसकी रैंक रही थी, किस बच्चे ने कितना स्कोर किया था, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल कोचिंग का एनवायरमेंट मिलेगा, ठीक है। जावा की क्लासेस वगैरह, देखो सब क्लासेस वगैरह सब करनी है, अब जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा होता जाएगा, ठीक है ना। गूगल फॉर्म पे भी टेस्ट लेना इतना मजा नहीं आएगा, वो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है, उस पे स्टोर करना और वो सब चीजें, रैंक कैलकुलेट करना वो सब, ठीक है। चलो तो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट, आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू।